गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4E. 4E में क्या करना है आपको? डिवीजन, इससे पहले आप मल्टीप्लाई सीख चुके हैं. डिवीजन जैसे आप डिवीजन करते हैं वैसे ही करना है, सिर्फ ध्यान क्या रखना है इंटीजर्स में प्लस एंड माइनस, सिंपल डिवीजन. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 85 डिवाइड बाय माइनस 17, तो इसको आप ऐसे लिखो 85 अपॉन माइनस 17. 17 फाइव सा 85 माइनस 5, माइनस नीचे है या ऊपर है लिखा जाएगा, एक तरीका ये है. दूसरा, अगर आपको मुश्किल लगे सिंपल रफ में करके देख लो, 17 फाइव सा 85, तो क्या आया 5. इसको आप लिखोगे 85 डिवाइड बाय माइनस 17, तो आंसर क्या आया 5. लेकिन एक माइनस है तो क्या आएगी माइनस. उसने यहाँ पे ध्यान रखना, अगर दो माइनस होगी तो आपस में कट जाएगी. नेक्स्ट है माइनस 80 डिवाइड बाय 16, 16 फाइव जा 80 और माइनस, ठीक है. माइनस 147 डिवाइड बाय माइनस 21, माइनस से माइनस कट हो जाएगा. देखो इसके दो तरीके, माइनस 147 एंड माइनस 20, कट गया 21 7, यानी क्या आया 7. आप इसको इस तरह लिख सकते हो या इसको माइनस से माइनस कट हो गई, 21 7 जा 147. ये दो तरीके, दोनों में से कोई जो आपको सूट करता है. नेक्स्ट है डिवाइड बाय माइनस 1765, यानी कि 8 डिवाइड बाय 8 क्या आएगा 1, लेकिन यहाँ एक माइनस है तो इसलिए माइनस 1. सेम को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आता है 1. जब यहाँ एक माइनस हो क्या लगाएंगे आंसर में? माइनस. ओके, नेक्स्ट 0 डिवाइड बाय माइनस 278 क्या आएगा? 0. ओके, 3000 डिवाइड बाय माइनस 100, 103 सा 300 एंड 0, 30, लेकिन किसमें? माइनस. सिंपल है ना, बिल्कुल माइनस 30 ये आंसर. तो इस तरह से आप ये वाला एक्सरसाइज करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका. सेकंड क्वेश्चन में आपको फिलअप्स करने, आपको भरना है कि क्या आएगा फिलअप्स में. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके आपके वन मार्क्स में आ सकते हैं. देखो मैं लिख लेती हूँ कुछ ऑप्शन, आप सोचते रहो तब तक. किससे डिवाइड करेगी? माइनस 5 आ जाए. सोचते रहोगे क्या करना है, 80 और 5 क्या करना है डिवाइड, तो 80 और 5 को डिवाइड करो क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है, क्या आएगा 16. अब ये तो पता चल गया कि 16 आएगा. अब यहां माइनस आई है, ये दोनों प्लस थे तो ये माइनस भी कैसे आई, तो आप इसको माइनस 16 कर, क्योंकि उसके सामने तो माइनस है नहीं, हम जो नया नंबर लिख रहे उसमें माइनस लिख सकते हैं, तो माइनस 16. अब यहाँ माइनस 84 डैश माइनस 7, अब देखो माइनस तो है आंसर में और यहाँ भी है, यानी यहाँ क्या नंबर आएगा प्लस का, वो कैसे 84 हुआ 7 से कर लो, 7 बन जा 7, 7 तो जा 14, तो क्या आया यहाँ पर 12, ठीक है. अब यहाँ देखो डैश डिवाइड बाय 17 और माइनस 2 आंसर आना चाहिए, तो अब क्या है, अब तो आपने डिवाइड करके देखा था क्योंकि आगे वाला नंबर था और आंसर था, जब पीछे वाला नंबर दिया हो डिविजर दिया हो
और आंसर दे उसको मल्टीप्लाई करके 17 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या आएगा माइनस 34 माइनस 34 तो यहां क्या होंगे माइनस 34 उसी तरह इसमें माइनस 1 मल्टीप्लाई 73 माइनस 73 अब 165 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 165 इजी है ना तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे ट्रू फॉल्स आपको बताना है ट्रू फॉल्स डायरेक्ट नहीं लिख देना है इसमें सॉल्व करने के बाद ट्रू फॉल्स लिखोगे बहुत सारे बच्चे ऐसे लिख देते हैं नहीं बेटा जैसे दिया है 0 डिवाइड बाय माइनस 6 इज 0 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करके आंसर क्या आएगा 0 इसमें आप लिखोगे ट्रू फिर दिया है माइनस 8 डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0 क्या आया 0 ये जो ऑप्शन है बेटा इसमें हम ट्रू नहीं लिख सकते आंसर तो 0 आएगा लेकिन हम इसको 0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये मीनिंग इज नॉट मीनिंगलेस a divided by 0 is 0 not meaningful ye meaning hi nahi hota iska isliye isko kya likhoge false ye line yaad rakhna lekin sath mein theek hai ye line yaad rakhoge sath mein tab hoga a divided by 0 equal to 0 a yahan par minus 8 kar raha hai yani ki jab bhi 0 ko kisi bhi number se divide karte ho 0 answer hoga wo not meaningful hoga उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता उसके लिए क्या लिखेंगे फॉल्स लिखेंगे ट्रू नहीं लिखेंगे अब जैसे दिया है माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 16 डिवाइड बाय माइनस 4 माइनस से माइनस कर दी 4 4 जा 16 क्या आंसर है आपके पास 4 और ये क्या कह रहा है नेगेटिव का तो गलत है इसका तो आंसर क्या होगा ये सॉल्यूशन है बेटा यही सॉल्यूशन है इसी तरह सॉल्यूशन करना है उसके बाद -7 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू 7 -7 डिवाइड बाय -1 तो आंसर क्या है 7 और ये भी यही कर रहा है तो ट्रू उसी तरह -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू -1 -1 को -1 से डिवाइड करो 1 से 1 कट गया और आंसर क्या आएगा 1 और ये क्या कह रहा है नेगेटिव में आएगा ये झूठ बोल रहा है ठीक है एक्सरसाइज 4e कंप्लीट हो गई आपकी आप इसके सभी अपनी कॉपी भी कर लेंगे इन नोटबुक ओके तो चैप्टर आपका यहां कंप्लीट हो जाता है 4f एंड टेस्ट पेपर वो आपकी रिवीजन होती है वो आप करके भेजोगी मैं आपका चेक करती हूं ओके थैंक यू एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट